फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह के फायर टेक्स्ट वाली वीडियो कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको सबसे पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा, आपको मीडिया पर जाकर पहले ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप वापस लेयर पर जाइए, वापस मीडिया पर जाइए और वाइट कलर का बैकग्राउंड इस पर सेलेक्ट करना है। फिर इसको बड़ा कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, उसके बाद इसको ओके कीजिए। पहले ये वाला भी थोड़ा वीडियो के साइज के हिसाब से थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको वापस आगे आना है, फिर ये वाइट कलर का बैकग्राउंड का जो क्लिप है उसको सेलेक्ट करना है। थ्री डॉट पर जाइए, फिर इसका डुप्लीकेट लेयर निकाल दीजिए। फिर इस लेयर को वापस नीचे खींचिए, फिर यहाँ पर एक ऐसा बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, या किसी का भी नेम लिखना है लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नेहा नाम लिखने जा रहा हूँ, जो एक कॉमन नेम है। आपको पहले लेयर पर जाना है, फिर मीडिया पर जाना है, फिर वहाँ से आपको जो भी नेम आप लिखने वाले हैं उसका फर्स्ट लेटर सेलेक्ट कर लेना है। उस फायर वाले टेक्स्ट का वीडियो का लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेक्स्ट आ जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में जाना है, ब्लेंडिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही आपका ये बैकग्राउंड पीछे चल जाएगा। आप यहाँ पे इसको सेट कर दीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए, अपने हिसाब से सेट कर दीजिएगा। आपको जैसा लगता है, आप चाहे तो बड़ा भी रख सकते हैं, चाहे तो छोटा भी रख सकते हैं। ये सेट हो गया, ओके कर दीजिए। अब आगे का जो नेहा का स्पेलिंग है ई, तो मैं ई सेलेक्ट करता हूँ। लेयर पर जाइए, मीडिया पर जाइए और ई का टेक्स्ट सेलेक्ट करके लाइए। ई टेक्स्ट आने के बाद भी आपको यहाँ पे नीचे में जाना है, ठीक है। फिर ब्लेंडिंग में जाना है, फिर इसका भी स्क्रीन कीजिए, ओके कीजिए। फिर इसको भी आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर दीजिए। आपको गैप जितना रखना है उतना गैप भी रख सकते हैं, मैं अपने हिसाब से रख देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। ऐसे ही सेम एच और ए का भी करना है, वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। देखिए, मैंने पूरा टेक्स्ट लिख लिया है, अभी आपको कुछ नहीं करना है। ये जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है उसको डिलीट कर देना है। यहाँ पर जाइए, इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ठीक है। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड डिलीट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ लेयर पर जाना है। उसके बाद आपको स्टिकर पर जाना है, फिर यहाँ पर आपको इफेक्ट दिख रहा होगा, ये सबलाइम स्पार्क्स का, इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको अगर नहीं मिल रहा होगा तो आप यहाँ पे गेट मोड में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और जो पहला वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए। ये आपका हो गया, आप चाहे तो थोड़ा इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा सेट कर दीजिए, यहाँ ओके कीजिए। आपके ये वाले को आगे लेकर आना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको आगे में जाना है और ऑडियो में जाना है। फिर वहाँ से आपको जो भी म्यूजिक आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपका पूरा वीडियो बन जाने के बाद आपको यहाँ पर शेयर का बटन दिख रहा है, आप अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं।